लवकुश ने अब कह दिया है कि अब तो फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। आखिरकार ऐसा लवकुश ने क्यों बोला है, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। लवकुश, अरमान मलिक और भी बाकी लोग और कृतिका डिस्कशन रूम में जो है बैठ के काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। डिस्कशन रूम में ये लोग बैठे हैं। वैसे सच्ची बात बताऊँ भाई, घर का माहौल जो है वो बहुत ही अजीब सा हुआ है, क्योंकि जो बिग बॉस है वो कुछ चीज़ दे ही नहीं रही है इनको, और आखिरकार देंगे तो भी कैसे देंगे, क्योंकि आज का कंटेंट खुद बिग बॉस को नहीं चाहिए, तो बिग बॉस को इनको छुट्टी दे देनी चाहिए थी। पर बिग बॉस तो ठहरे बिग बॉस, और बिग बॉस का तो मानना ये है कि ये सीजन इतने कम दिन का है तो आप लोगों को कोई भी छुट्टी नहीं है, जिसके कारण ये लोग और भी काफी ज्यादा निराश जो है वो चल रहे हैं। कैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बातें जो है वो कर ही लेते हैं। तो यहां पर बातें हो रही हैं फैंस से रिलेटेड, जहां पर कृतिका बोलती है कि फैंस जो है कभी, मतलब कि हमारी बिल्डिंग में रात को 2:30 बजे बेल मार देते हैं, कोई भी अंदर आ जाता है। और एक तो बार तो ऐसा हुआ था कि हमारे गेट के बाहर जो है 3-4 घंटे तक बोर्ड लेके जो है एक फैन खड़ा था, तो काफी ज्यादा मतलब कि उनके लिए बुरा भी लगता है और कोई भी इस तरीके से उठ के आ जाता है। और तो और एक बार अरमान जो है कहीं पर जा रहे थे, उनकी गाड़ी का जो है किसी ने पीछा करना शुरू कर दिया। कैसे तैसे करके जो है अरमान अपने तरीके से जो है बच बचा के जो है बाहर निकले। और हमारे बिल्डिंग में ही एक लड़की रहती थी जिसको जानते थे अरमान और उनके साथ बात भी करते थे, पर वो अचानक ही जो है अरमान के पीछे पड़ गई। और अरमान के पीछे पड़ी और वो लिफ्ट में जा रहे हैं तो लिफ्ट में आ जाना, जो भी कर रहे हैं उनके साथ साथ आ जाना। फिर हमने कैसे तैसे करके ना उसको बिल्डिंग से निकलवाया। अब अरमान की चीजें ही ऐसी है कि कोई लड़की बोलेगी कि भाई दो बीवियां रखी हुई हैं, तीसरी मैं हो जाऊंगी, क्या मालूम अरमान की नियत ही ऐसी है तो मैं भी फेमस हो जाऊं। तो शायद उस लड़की ने ऐसा सोचा होगा, काफी सारी लड़कियां ऐसा सोच सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सोच पे भाई जो है पाबंदी लगा दी जाए। इन सब चीजों को देख के लवकुश कटारिया का भी कहना ये है कि भाई अब तो हम लोग बिग बॉस में हैं, पहले ही लोग इतना ज्यादा पीछे भागते हैं और अब जो है सोच समझ के मैसेज, सोच समझ के बात जो है वो करनी है, क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद लाइमलाइट जो है वो हमारे ऊपर ही रहती है। तो ये सब चीजें हमें देख के करनी पड़ेगी, फूक फूक के जो है वो कदम रखने पड़ेंगे। ये बात तो सही है भाई, और ये लोग सिक्योरिटी के साथ चलते नहीं है, ये लोग दोस्त दोस्त जो है वो मिलके कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, आते रहते हैं। पर एक बात है भाई, लवकुश कटारिया को तो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और फैंस का प्यार होता है कि वो अपने आप को मतलब कि रोक नहीं पाते हैं अपने आइडल को मिलने के लिए। तो उनका ये प्यार है और उनको प्यार जो है इनको देना भी चाहिए, पर कभी कभी ये इग्नोर करते हैं, तो इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पता नहीं कब कोई फैन जो है फैन बोल के आए और हेटर निकले और इनका कुछ कोई बड़ा नुकसान कर दे। तो इसीलिए इनको दूरियां भी बढ़ानी पड़ती है। सेलिब्रिटीज की जिंदगी में कोई कम बिपता ये थोड़ी ना है, क्या कहती है जनता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके।